है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे 5 वर्ष जनता के लिए कोई नहीं किया, जनता के सुखों के साथ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आप अपनी जीत के लिए से आश्वस्त हो लेकर बात करें कि तमाम विपक्ष सवाल देखिए यहाँ स्ट्रांग रूम खोले जा रहे हैं, यहाँ लगभग हर पार्टी के प्रत्याशी मौजूद हैं, हम देख रहे हैं चारों तरफ कितनी अधिक सुरक्षा व्यवस्था है, पहाड़ की टीमें आके लगी है, BSF आके लगी है, BSF के जवान हैं जो किसी तरह के कभी गलत आचरण में नहीं लिप्त रहते हैं, ऐसे लोग यहाँ की सुरक्षा स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ खोले जा रहे हैं, मैं यहाँ हूँ, वहाँ कुछ हंगामे की आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन विषय क्या है मुझे जानकारी नहीं। मुझे तो सब व्यवस्था चाक चौबंद लग रही है, सारे स्ट्रांग रूम सील हैं, वहाँ सपा के और आम आदमी पार्टी के और बसपा के कार्यकर्ता प्रत्याशी खड़े हैं तो सारी सील चेक कर रहे हैं, मेरे भी इलेक्शन एजेंट अशोक पटेल जी खड़े हैं और वो सारी सील चेक करके खोले जा रहे हैं और अंदर पूरी चेकिंग कर रहे हैं प्रत्याशी। अभी तक यहाँ कोई असंतोष की भावना नहीं आई, निश्चित रूप से वो जानते हैं कि वो 5 साल जनता के बीच गए नहीं, जनता के लिए काम किए नहीं, जनता उन्हें मत देगी नहीं, रिजल्ट उनको पता है पहले से, इसलिए बौखलाहट में ऐसा कह रहे होंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5 साल कड़ी मेहनत की है, जनता के सुख में दुख में उनके साथ खड़े रहे हैं, किसी भी दैवीय आपदा में जनता के साथ दिया है, मैं निश्चिंत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। कि आप स्ट्रांग रूम खुलवा लीजिए, हम तब तक स्ट्रांग रूम नहीं खुलवाएंगे तब तक जो रेडियम से बात हुई है एक बंदा हमारा वहाँ इशू नहीं होता रहने के लिए, क्योंकि स्ट्रांग रूम खोलने के बाद CRPF की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो क्या मांग कर रहे हैं, क्या मांग क्या है? हमारा एक जो अभिकर्ता तय किए थे रेडियम कि वहाँ एक रहेगा, तो जब तक हमारा वहाँ एक अभिकर्ता पास नहीं हो जाता रहने के लिए हम मतगणना नहीं कराएंगे, हम बहिष्कार कर दिए, हमारे सभी मतगणना अभिकर्ता हॉल से बाहर हैं, यहाँ प्रशासन हम लोग को रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये नहीं, वो भी हम बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों जाएंगे भाई? गुस्सा का कारण है कि अब हम लोगों को जिला प्रशासन गोल गोल घुमा रहा है, हमारी मांगों को अनसुना कर रहा है। कल हम लोगों ने ADM प्रशासन से बात किया कि जितने भी एजेंट हैं उनके अलावा 2 एजेंट हमको चाहिए कंट्रोल रूम से मतगणना हाल तक मशीन लाने जाने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं की निगरानी में जाएगा। वो बोले ठीक है, आज कल कोई व्यवस्था नहीं है और उनकी मंशा साफ नहीं है, चेक कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हम लोगों की मांग है कि चेक के बाद जब खुल जाता है स्ट्रांग रूम तो एक हमारा एजेंट उसके कमरे के सामने रहे, एक एजेंट जब 14 मशीन जा रही है टेबल पर तो उसके साथ साथ जाए कि मशीनें बदली न जाएं। वो कल तक ठीक था लेकिन आज कोई व्यवस्था नहीं है, बस स्ट्रांग रूम का जो है कि करा कर उसके बाद उन प्रत्याशी को भी हटाने की बात कर रहे हैं आप प्रशासन।